अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मेरे पहले व्लॉग में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम है खुर्रम शहजाद और मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। मैं सऊदी अरब के शहर जद्दा में रहता हूँ, यहीं पर ही मेरी जॉब वगैरह है और अपनी फैमिली के साथ मैं यहाँ पर रहता हूँ। अभी मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ तो ये आपको दिखाते हैं अपने घर का व्यू। ये देखें, ये मेरी बिल्डिंग के नीचे का व्यू है और जो है बस जल्दी से मुझे थोड़ा काम पे जाना है अपने, तो इंशाल्लाह काम से थोड़ा फारिग होके फिर आपके साथ दोबारा मुलाकात करते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा निकलना है काम के लिए अपने, और थोड़ी शॉपिंग करवानी है बेगम को, तो वो शॉपिंग भी आपको दिखाते हैं। चल के करते हैं व्लॉग के स्टार्टिंग करते हैं। खुश आमदीद। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। जद्दा का मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है, हल्की हल्की ठंड, और अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी का जो एक ज़ोर होता है सऊदी अरब का वो थोड़ा कम हुआ हुआ है। मौसम बहुत अच्छा है, हम इस मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए आता है। और ये सर्दियाँ अभी बस तकरीबन एक हफ़्ता ही हुआ है यहाँ पे जो सर्दियाँ आई हैं, थोड़ी अच्छी हवा वगैरह चल रही है ठंडी, तो बस थोड़े दिन बाकी हैं, उसके बाद वापस इधर गर्मी शुरू हो जाएगी। इस वक्त रात के 7:15 बज रहे हैं और ये शाम का टाइम होता है, ऑफिस वगैरह की सबकी छुट्टी हुई हुई होती है, सब लोग अपने जो है घरों की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये रोड जो है वो बहुत ब्लॉक्स होते हैं, काफ़ी रश चल रहा होता है। शाम तकरीबन असर के बाद से काफ़ी रश शुरू हो जाता है और ये असर के बाद से लेके तकरीबन 10-11 बजे तक इसी तरह से ट्रैफिक जाम रहता है, रश रहता है, कहीं थोड़ा बहुत ट्रैफिक ओपन होता है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम जो थे वो निमट गए हैं सारे। अब जो है बेगम बहुत देर से मेरे साथ बैठी हुई हैं, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और वो बैठी हुई अब मुझे ज़रा टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देख रही हैं, तो अब जल्दी से देर के बिना इनके जो काम थे, जो इनको सामान लेना था, वो इनको दिलाने के लिए चलते हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए, चलें वहाँ चलते हैं। अब आपको दिखाएंगे कि हम किस स्टोर में जा रहे हैं, और बहुत अच्छा स्टोर है वो भी यहाँ जद्दा में, तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या क्या सामान है। अच्छा जी, फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर शिरका मजमा शामिल, और यहाँ पार्किंग आप देखें, यहाँ पे पार्किंग जो है वो हमेशा फुल रहती है, चाहे आप सुबह में आ जाएं, चाहे आप शाम को आ जाएं या रात को आ जाएं, किसी भी टाइम आ जाएं। सामने की तरफ मुझे नज़र आई है पार्किंग, चलें वहाँ चलते हैं क्योंकि यहाँ एक है, ये तो दूर हो जाएगा काफ़ी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग हमें मिल चुकी है फाइनली, और अब जल्दी से जो है हम स्टोर की तरफ चलते हैं। क्या क्या खरीद लिया? मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा, मैं तो ट्रॉली चला रहा हूँ बस। खाली ट्रॉली अच्छी नहीं लगती, जरा इसको भरें। ये ले लो केक, ये वाला पता नहीं कैसा होता है, लेके देख ले, या वही वाला लेना है? वो भी है। उसमें कितने पीस है? इस ये फ्लेवर वाला है योमी ना, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है। कौन सा लेना है, स्ट्रॉबेरी वनीला? स्ट्रॉबेरी लेके देख लेते हैं चलो इस बार। चॉकलेट भी है? नहीं है, स्ट्रॉबेरी। रमजान के हिसाब से खजूर आई हुई है। चले अब वहाँ चलते हैं। ये देखो तो, ये कैसी है? चॉकलेट है, चलो ले लेते हैं।
कहाँ रखेगी यार। हाँ अच्छा लग रहा है वैसे तो। खोले चलेंगे फाइनली। शॉपिंग हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ज़्यादा रश था उधर, 15-20 मिनट तो लाइन में लगे लगे ही लग गया, लेकिन अल्लाह माशाल्लाह अच्छा हो गया। अच्छा जी, तो बेगम अब आपका मूड सही हो गया, आपको जो सामान लेना था वो आपको मिल गया। असल में तो हम जो सामान लेने के लिए आए थे इधर, वो वाइफ ने रहल देखी थी ऑनलाइन, तो वो जो है हमने जब इधर देखी आकर तो वो बहुत छोटे साइज़ की थी, तो उसमें कुरान मजीद जो है वो हमारे पास जो है वो बड़े साइज़ का है, तो उसके ऊपर आता नहीं, तो वह इसकी वजह से वो नहीं ले सके जो लेने आए थे। लेकिन जो है बाकी दूसरी जो है वो फिर जब आते हैं किसी स्टोर में तो एक चीज़ तो ले नहीं जाती है, फिर वो नहीं मिला तो कुछ और सामान ले लिया। चलिए हम घर पे जाके आपको दिखाते हैं कि क्या सामान जो है हमने लिया। और भाई भूख भी लग रही है, खाना घर पे तैयार है ना। बस चले आप घर चल के खाना खाते हैं, क्योंकि रात हो चुकी है, 9:30 का टाइम हो रहा है तकरीबन। घर जाके आपसे फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए। चलिए हम घर चल के आपको दिखाते हैं कि हमने क्या शॉपिंग करी। और जो है भाई सबसे पहले जो है आपने मुझे खाना देना है, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना गर्म कर लो। रोटी हमने इसलिए मैंने रोटी ले ली कि टाइम ना लगे बहुत ज़्यादा। ये वापस आके मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया था, तो बेगम ने आवाज़ लगा दी कि भाई खाना रेडी हो गया है, तो खाना रेडी हो गया है। अच्छा भाई चलें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भूख भी बहुत ज़ोर की लग रही थी, बेगम ने खाना जल्दी से गर्म कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी में हमने तंदूर की रोटी तो ले ली थी, आपको बताया था, अब देखते हैं कि क्या खाना बना है जल्दी से। अच्छा ये देखें भाई माशाल्लाह, ये बेगम ने जो है बनाई हुई है मसाला तुरई, और इसके साथ जो है वो तंदूर की रोटी है। आपको खा के बताते हैं कि कैसा बना है। वैसे तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो जल्दी से जो है एक निवाला ले लेते हैं। माशाल्लाह हर बार की तरह इस बार भी जो है बहुत मज़े का बना हुआ है। और चलें ठीक है, मैं खाना खाता हूँ और खाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि हम क्या शॉपिंग करके लेकर आए। अच्छा जी चलें, आप वो बेगम मेरी बहुत देर से बेचैन हो रही हैं कि वो सामान लेकर आई हैं, तो वो निकाल के ज़रा देखें उसको, तो आप जो है ये सामान की अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग मतलब इसको थैली में से निकालते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या आज मेरा खर्चा हुआ है। और बेगम ने असल में रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान के हिसाब से थोड़ी तैयारी करी है, थोड़ा रमज़ान के हिसाब से शॉपिंग भी हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या लेकर आई हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, ये दो बैग जो हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। चलें भाई बेगम, ये जो है अब आप दिखाना शुरू कर दें अपने व्यूअर्स को क्या 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 लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और
ये हमारा न्यू चैनल है और आप सबको रमज़ान के एडवांस मुबारक हो। रमज़ान के हवाले से यहाँ बहुत तैयारी की जाती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रौनकें होती हैं, तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम यहाँ रहें तो हम भी अपने घर को डेकोरेट करें। तो अच्छा, रमज़ान के हवाले से मैं कुछ सामान लेकर आई थी जो हम मिल के सजाएंगे अपने घर को, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप रमज़ान की सब रौनकें हमारे साथ देख सकें। तो ये आपका कहाँ लगाने का इरादा है ये रमज़ान का चांद? रमज़ान का चांद इंशाल्लाह हम अपने लाउंज में लगाएंगे और लाउंज एरिया हम सारा डेकोरेट करेंगे रमज़ान के हवाले से, ताकि हमें एक अच्छी रमज़ान की वाइब्स आ सकें और हमारी इबादत अच्छी हो सके, दिल लग सके हमारा। ठीक है। अच्छा, इस ये हमने ये तो हमने 5-12 वाली में से लिए ना, मजमा शामिल से लिए जी। यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी 5-12 शॉप हैं, तो ये हमने वहाँ से लिए और ये हमने एक और जगह से लिया है। ये देखें आप, ये रमज़ान करीम लिखा हुआ है और इसमें लाइट्स भी ऑन होती हैं। ये इंशाल्लाह जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इसकी लाइट्स भी जला के दिखाएंगे। ये हमने देखा था इसको जला के, ये बहुत अच्छा लग रहा था। और एक ये लैंप लिया है जो हैंगिंग भी है और इसको हम मतलब कहीं पे रख भी सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह रमज़ान के साथ रमज़ान के उसमें सजाएंगे। अच्छा, तो आपने रमज़ान के हिसाब से काफ़ी एडवांस बहुत जल्दी शॉपिंग शुरू कर दी, तो रमज़ान में इसका मतलब है कि आप जो है सिर्फ इबादत करेंगी और जो है ये शॉपिंग में अल्हम्दुलिल्लाह आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि रमज़ान इबादत का ही महीना है। वैसे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमें तो हर वक्त ही अल्लाह का जिक्र अपनी ज़बान पे रखना चाहिए, लेकिन रमज़ान में तो कुछ ऐसी वाइब्स आती हैं कि हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं होता कि एक लम्हा भी ज़ाया हो सके। तो इसलिए मैं आज आपको ले गई थी कि आप मुझे शॉपिंग करा दें, तो मैं अपने हिसाब से जल्दी जल्दी आपके साथ मिल के सब डेकोरेट कर लूँ और रमज़ान की सारी सजावट कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में ऑलरेडी बहुत काम होते हैं। और ये देखें, रमज़ान का सुपरा भी है और ये रमज़ान की फ्लैग्स हैं जो इंशाल्लाह हम सब लगाएंगे। ये नैपकिन्स हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमने जो है ये कल जो गुजर गई एक दिन पहले की शॉपिंग है ये वाली, और ये जो जिस दुकान से हमने सामान लिया था ये सारा ये भी वही है ना, एक रेल वाला। हाँ, तो ये पहले एक ये जो दूसरा सामान लिया था ना हमने जो कल पहले, वो निकाल लें आप। ये है वो वाला बनियाल शॉप से। हाँ, ये सारा है ना, और इसके अलावा जो है वो 5 रियल शॉप, ये 5 रियल है। ये बनियाल शॉप का है और ये लाइट्स ली हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं जब हम इसको हैंग करते हैं तो ये जलती हैं, तो रमज़ान की स्पेशल लाइट्स यहाँ आती हैं इस तरह की। तो ये सब हमने रमज़ान के हवाले से सारा सामान परचेज किया है। ब्लॉग इंशाल्लाह आपको हमारे दूसरे चैनल पे मिल जाएगा, फरमाइशी फूड एंड व्लॉग्स के नाम से हमारा ये चैनल है, आप उस पे जाके देख सकते हैं ये सारी चीज़ों की ख़रीदारी हमने कहाँ से करी, किस तरह करी और कौन सी जगह से करी, उसमें आपको सारी डिटेल इसकी बताई गई है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये सारा सामान जो है 1 रियाल 25 हलाला यानी 1.25 रुपये का, 1.25 रियाल का समझ लें आप ये सामान, ये हमें पड़ा है एक एक आइटम। बाकी जो हमने आज जो आइटम लिया है वो सारे 5 रियाल के हिसाब से है, वो 5 रियाल 75 हलाले के होते हैं। ये अच्छा, ये किस लिए लिया? आपके पास तो माशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे बर्तन हैं और फ्राइंग पैन वगैरह हर चीज़ है जी, तो इसमें आप क्या करेंगी? बस मैंने रमज़ान के हिसाब से लिया है कि ये छोटा सा है, इजी यूज़ है और अच्छे नहीं, तो मतलब... इसमें आप बनाएंगी क्या? ये सोच के लिया होगा ना आपने कुछ के कुछ बनाएंगी इसके अंदर आप? भाई हम दो बंदे हैं तो दो बंदों के हिसाब से इसमें जल्दी सब सामान बन सकता है, सब कुकिंग अच्छे से हो सकती है और रमज़ान में बर्तन बहुत हो जाते हैं, तो मेरा ज़्यादातर यही होता है कि मैं छोटे बर्तन इस्तेमाल करूं ताकि वॉश करने में आसानी हो। और अच्छा, एक हमने अभी ये लिए न्यू, क्योंकि हमारी पुरानी वाली थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो अब दिल चाहता है कि नई नई चीज़ें इस्तेमाल करें रमज़ान में। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ मुझे अच्छी लगेगी कि भाई मुझे दीवार में होल नहीं करना पड़ेगा, इसमें स्टीकर दिया हुआ है साथ में, तो बस स्टीकर को जो है वो चिपकाना है और ये हैंग हो जाएगा, वेरी इजी टू यूज़ है बिल्कुल, तो ये मुझे अच्छा लगा था। मुझे भी एक ये मैंने टी शर्ट ले ली थी, ये 5 रियाल 75 हलाले की टी शर्ट मुझे अच्छी लगी, कपड़ा इसका बहुत सॉफ्ट था, तो मैंने सोचा कि चलें ये सोने में जो है ज़रा आरामदेह कपड़े टी शर्ट इस तरह की पहनने में बहुत अच्छी रहती हैं, तो ये टी शर्ट उस हिसाब से मैंने ले ली थी। डेकोरेट के हिसाब से सामान ख़त्म हो गया है, अब ये इन्होंने थोड़ा सा घर के खाने पीने के हिसाब से थोड़ा राशन ये इस तरह की चीज़ें ली हैं। ये देखें, ये पिंक सॉल्ट है और ये 1 kg का पैकेट है, इसका नाम है हिमालयन सॉल्ट एंड ये जो है पिंक सॉल्ट है, ये देखें आप, और ये 1 kg का पैकेट 5 रियाल 75 हलाले में हमें मिला है, जो बहुत ही हमें सस्ता लगा और बहुत अच्छा है, इसकी पैकिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, तो ये एक आइटम लिया है हमने।
और ये एक डब्बा है, इसमें छोटे छोटे से केक होते हैं। ये मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छे केक रहते हैं ये खाने में। जैसे आपको शाम को चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह या कुछ केक कुछ इस तरह का कोई आइटम चाहिए होता है तो आप इसमें ये खा सकते हैं। ये देखें, इन्होंने जज्बात में आके इसको फाड़ दिया। अच्छा, ये जो है इसके अंदर एक पैकेट के अंदर एक केक दिया हुआ है, ये भी अच्छा है इसके अंदर। और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में हमें लिया है, बेगम को हमारी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है तो उन्होंने ये लिया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट ये बिस्किट का पैकेट ले लिया है, ये भी 5 रियल 75 लाले में। देखें इसके अंदर कितने बिस्किट हैं, मेरे ख्याल में 24 पीसीज होंगे इसके अंदर। नहीं, इसके अंदर जो है 20 पीसीज हैं इसके अंदर, तो 20 पीसीज भी अच्छे हैं इस प्राइस के अंदर। और ये जो है ये कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, पाकिस्तान में जैसे इस तरह की आती थी उसका मैं नाम भूल गया, उसका जो मैं बचपन में बहुत खाता था, मुझे बहुत पसंद थी, तो उसको देखते हुए जो है ये कुछ उसी तरह की सी लगी। आपको अगर उसका नाम याद आए तो कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या नाम था उसका चॉकलेट का जो बचपन में हम लोग इस तरह की खाते थे। और दूसरा जो है ये आप देख सकते हैं, ये पॉपकॉर्न के 5 पैकेट हैं जो ये 5 रियल 75 लाले में है। ये पॉपकॉर्न फैमिली साइज पॉपकॉर्न है और बटर फ्लेवर के साथ है, तो ये भी हम ट्राई करेंगे कैसी लगती है, आपको बताएंगे इंशाल्लाह इसके बारे में भी ज़रूर। अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा आप। और अच्छा, आपको कुछ आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पे इतने टाइम से हैं और हमारा बहुत दिल चाहता है कि हम यहाँ पे जब भी उम्रे पे जाएं और मदीना जाएं तो वहाँ जो है लोगों को दिखाएं कि कितना सुकून है, अल्लाह का घर कितना करीब है। और हमारा जब दिल चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अपना करम रखा है हम पे कि हम अल्लाह के घर के करीब हैं। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको लेकर आए और हम हमेशा यहाँ रहें और जो है हम लोगों को दिखाएं कि देख के भी बहुत दिल चाहता है कि अल्लाह ताला सबको बुलाएं और सब यहाँ पे मौजूद हों। तो इंशाल्लाह हम जब भी जाएंगे आपको दिखाएंगे मक्का मदीना, इंशाल्लाह रमज़ान में भी हमारा उम्रे का इरादा है। तो बस इसी तरह हमें आप सपोर्ट कीजिए, इंशाल्लाह हम सब जगह आपको जद्दा की मक्का मदीना जहाँ जाएंगे सब विजिट कराएंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी आप कहिए। और एक चीज़ आप भूलिए क्या ना, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम रमज़ान आने वाले हैं, तो हमारा इरादा है कि रमज़ान के पहले वीक में ही हम उम्रे पे चले जाएंगे, उम्रा अदा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें उम्रे की जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, तो रमज़ान में हमें सिर्फ एक उम्रा करने का ही मौका मिलता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम स्टार्टिंग में ही कर लें, पहले अशरे में ही उम्रा अदा कर लें, ताकि जो है आखिर में जो है वो रश भी बहुत हो जाता है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी बात है कि चलें, जो जितने हाजी आते हैं, जितने बाहर मुवालिक से लोग उम्रा करने के लिए आते हैं उनको थोड़ी सहूलत हो जाती है। हम लोग यहाँ रहते हुए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उम्रा अदा करते रहते हैं और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जब तक हिम्मत ताकत है, जब तक यहाँ पर रह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा करते रहेंगे। आप लोगों को भी दुआ में इंशाल्लाह याद रखेंगे, अगर आप लोगों को कुछ अपने लिए किसी को दुआ करवानी है कोई, तो इंशाल्लाह जब हम उम्रे पर जाएंगे आप हमें बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह नाम लेकर आपके लिए दुआ करेंगे। और हमारे व्यूवर्स को एक बात आप ज़रूर बताएं कि हम व्यूवर्स के कहने पर इंशाल्लाह लाइव भी उम्रा हम जब जाते हैं तो लाइव भी आ जाते हैं अपने चैनल से, एक दो बार बल्कि कई बार हम लाइव आ चुके हैं इस तरह। तो अगर आप लोग चाहेंगे और आपके फरमाइश होगी, आपकी कमेंट्स होंगे इस तरह के, तो इंशाल्लाह फिर हम रमज़ान में जब जाएंगे तो इंशाल्लाह लाइव भी आएंगे। हाँ, ये जो बात करनी थी कि हम लाइव आ चुके हैं, तो वो इनका अपना एक चैनल है फरमाइशी फूड एंड व्लॉग्स के नाम से, उसका लिंक मैं आपको चैनल पे दे दूंगा और ये आपको चैनल पे नाम भी नज़र आ रहा होगा वीडियो में, तो आप ये भी देख सकते हैं। और चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, उस चैनल को भी आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर कीजिए। उसमें आपको फूड, वैसे तो वो फूड चैनल है, उसमें व्लॉग्स भी हैं, उसमें आपको पाकिस्तानी फूड जो है वो उसकी आपको सबकी रेसिपी बहुत मज़े की आपको रेसिपी मिल जाएगी। उस चैनल को भी आप देखें, जाके सर्च करें यूट्यूब पे, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, फरमाइशी फूड एंड ब्लॉग्स। चलें इसी के साथ इख्तिताम करते हैं आज के वीडियो का, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपका। ओके, इजाज़त दीजिए आप हमें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।